नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आप सभी को इस योजना के अंतर्गत पांचवी किस्त का इंतजार है, बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत अभी तक चार चार किस्त की राशि झारखंड के 57 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को मिल चुका है। तो आइए जानते हैं इसकी जो बड़ी अपडेट जारी हो गया है। यहाँ पे देखिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 4 दिसंबर से या इसके बाद से कभी भी पांचवी किस्त की राशि मिल सकती है। यहाँ पे देखिए, 2500 रुपये आप सभी को इस योजना के अंतर्गत पांचवी किस्त की राशि दिया जाएगा। आगे देखिए, यह काम करना आपके लिए जरूरी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पांचवी किस्त की राशि आपका 1000 रुपये नहीं होगा, 2500 रुपये होगा, इसीलिए नए नए कंडीशंस भी लगाए गए हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पांचवी किस्त की राशि जिन्होंने अभी तक सुधार नहीं कराए हैं, तो सुधार जल्द से जल्द कराइए। हेमंत सोरेन का नया आदेश क्या जारी हो गया है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत एक भी किस्त की राशि यदि आपको मिल गया है या चार चार किस्त की राशि आपको मिल गया है तो आगे देखिए, राज्य की महिलाओं के बैंक खाता में पांचवी किस्त की राशि 11 दिसंबर तक सभी के बैंक खाता में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ट्वीट करके कहा कि जितने भी महिलाएं राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ ले रहे हैं उन सभी को 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में सभी के बैंक खाता में 2500 रुपये भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 11 तारीख का जो अपडेट आया हुआ है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की किस्त की राशि पांचवी किस्त की राशि 2500 रुपये जारी करने को लेकर, तो ये जो 11 दिसंबर का अपडेट आया है, 11 दिसंबर तक आपके बैंक खाता में पैसे भेजे जाने की बातें कही गई है। यानी हो सकता है कि 4 दिसंबर से ही पैसे मिलना शुरू हो जाए या 5 दिसंबर से ही मिलना शुरू हो जाए, कभी भी आपके बैंक खाता में पैसे मिलना शुरू हो सकता है। एंड ये 11 तारीख तक, आप देखिए यहाँ पे कि 5 तारीख से यदि मिलना शुरू होता है तो 11 तारीख तक ये अंतिम डेट है, 11 तारीख तक आपके बैंक खाता में पैसे आ जाएगा, आपके बैंक खाता में पैसे भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि आपका बैंक खाता में सारा कुछ सही है तो आपको इसी डेट के अंतर्गत पैसे मिल जाएगा, लेकिन यदि आपका बैंक खाता में कोई ना कोई गड़बड़ी है, जैसे कि डीबीटी लिंक नहीं है, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, 3-4 दिन आपको आगे मिल सकता है पैसे। लेकिन जिनके बैंक खाता में डीबीटी लिंक है उनको पैसे तुरंत मिल जाता है, उनको पैसे आने में देरी नहीं होती है, इसीलिए आप लोग डीबीटी को जल्द से जल्द लिंक करा लीजिए। और साथ ही अगली किस्त की राशि जो 6ठी किस्त की राशि इस योजना के अंतर्गत जारी किया जाएगा वो तो बिना डीबीटी लिंक किए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस योजना के गाइडलाइन के अनुसार से यही बताया गया है। आगे देखिए जो इस योजना के यहाँ पे बारे में बातें की गई है, यहाँ पे देखिए आगे जो इसके बारे में अपडेट आई हुई है कि पांचवी किस्त की राशि यदि प्राप्त होने में कोई समस्या होती है किसी भी तरह की, आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, 3-4 दिन आपको आगे मिल सकता है पैसे। लेकिन जिनके बैंक खाता में डीबीटी लिंक है उनको पैसे तुरंत मिल जाता है, उनको पैसे आने में देरी नहीं होती है, इसीलिए आप लोग डीबीटी को जल्द से जल्द लिंक करा लीजिए। और साथ ही अगली किस्त की राशि जो 6ठी किस्त की राशि इस योजना के अंतर्गत जारी किया जाएगा वो तो बिना डीबीटी लिंक किए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस योजना के गाइडलाइन के अनुसार से यही बताया गया है। आगे देखिए जो इस योजना के यहाँ पे बारे में बातें की गई है, यहाँ पे देखिए आगे जो इसके बारे में अपडेट आई हुई है कि पांचवी किस्त की राशि यदि प्राप्त होने में कोई समस्या होती है किसी भी तरह का कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए सबसे पहले आपको त्रुटियों को चेक करना होगा और उसको सुधार कराना होगा। जैसे कि यही नियम लागू होता है 4थी किस्त को लेकर, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 4थी किस्त की राशि यदि आपके बैंक खाता में पिछले महीने नहीं आया था तो पता कीजिएगा आपका बैंक खाता में ऐसा क्या गड़बड़ी की वजह से पैसे नहीं आया, तो जो भी गड़बड़ी था उसे आपको सुधार कराना होगा, उसके बाद ही इस योजना के अंतर्गत अगली किस्त की राशि और पिछली किस्त की राशि दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो नया आवेदन यदि आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इस टॉपिक पे वीडियो मैंने ऑलरेडी आज सुबह ही बना दिया है, तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको देख लीजिए। नया आवेदन किन्हीं का यदि आप करना चाहेंगे, किन्हीं का आवेदन नहीं हुआ है, तो आप उस वीडियो को फॉलो करके बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। एंड नया आवेदन उन्हीं को करना होगा जो आवेदन नहीं कर पाए अभी तक, या आवेदन किए हैं और आपके आवेदन को ऑनलाइन एंट्री इसमें नहीं किया गया है इस वेबसाइट में, तो आप नया आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका आवेदन हो गया है और आपके आवेदन को सुधार करने की जरूरत है, यानी आवेदन में स्वीकृति आपको नहीं मिली है, तो आपको सुधार कराना होगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप आवेदन कराते समय दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रखंड कार्यालय में जमा कीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास एप्लीकेशन के साथ जमा कीजिए एंड वहां पे सुधार कराइए। यदि आपका कोई भी किस्त की राशि इस योजना के अंतर्गत रुका हुआ है तो यकीन मानिए कि पांचवी किस्त की राशि भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका आवेदन को सुधार ही नहीं किया गया है, तो पांचवी किस्त की राशि भी आपका रुक सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि पांचवी किस्त की राशि मिलने से पहले यदि आपको 4थी किस्त की राशि नहीं मिला है तो आप पता कीजिए कि किस कारण से आपको
चौथी किस्त की राशि नहीं मिला एंड उसको सुधार करा लीजिए समय पर, ताकि पांचवी किस्त की राशि आपको मिल सके और उससे पहले आपको चौथी किस्त की राशि भी मिल सके। आगे यहाँ पे देखिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी तो जारी हो गया है कि 11 दिसंबर तक आप सभी के बैंक खाते में पैसे आएगा। यहाँ पे देखिए, मैं एक एक चीजों को आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 11 दिसंबर तक पांचवी किस्त की राशि भेज दी जाएगी, यानी 11 दिसंबर तक आप सभी के बैंक खाता में इस योजना की राशि को भेज दिया जाएगा। कितने लोगों को भेज दिया जाएगा? 57 लाख महिलाओं के बैंक खाता में 2500 रुपए भेज दिया जाएगा। यह पैसे आप सभी को 11 दिसंबर तक मिल जाएगा, जैसा इसमें अपडेट आप देख सकते हैं। लेकिन इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि डीबीटी आपका इनेबल है या चौथी किस्त की राशि आपके बैंक खाता में आया हुआ है तभी आपको इस योजना का पैसे मिलेगा। और यदि आप नया आवेदन इस योजना के अंतर्गत किए हैं तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि क्या आपका आवेदन को स्वीकृति मिली है या नहीं मिली है स्वीकृति। तो इसके लिए आप पंचायत कार्यालय जाइए, वहां पे आप लिस्ट को देख सकते हैं कि आपका स्वीकृति मिला है या नहीं मिली है, या रिजेक्ट हुआ है, पेमेंट फेलियर हुआ है। हर एक प्रकार का लिस्ट आपको आपके पंचायत कार्यालय के माध्यम से ही मिल जाएगा। तो लिस्ट को देखिए एंड जो भी गलती है आप उसे सुधार भी करा सकते हैं, ताकि पांचवी किस्त की राशि आपको मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत यही था कुछ बड़ी अपडेट। पैसे उन सभी को दिया जाएगा जिनको एक भी किस्त की राशि अब तक मिल गया है, और उन महिलाओं को पैसे नहीं दिया जाएगा जिनका कोई ना कोई गड़बड़ी है। यदि आप आवेदन को सुधार करा लिए हैं तो पैसे पांचवी किस्त की राशि आपको मिल जाएगा, लेकिन यदि आप सुधार नहीं कराए, अभी तक आप ध्यान ही नहीं दिए, तो जल्द से जल्द आपके पास समय है, सुधार करा लीजिए। पांचवी किस्त की राशि इस महीने हर हाल में आपको मिलेंगे। एंड ये था बड़ी कुछ अपडेट मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।